नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज दिनांक 29 जनवरी 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ व अति पिछड़ा एवं अति दलित महासंघ का संयुक्त प्रेस वार्ता पार्टी कार्यालय कलेक्टर कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ पर संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार प्रेस वार्ता के दौरान अपने वक्तव्य में बताया कि दो दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा अति पिछड़ा वर्ग में आने वाले सदर कोतवाल के गुप्ता को अपमानजनक शब्दों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे अब लगने लगा है कि कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं लोग। हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा देश की आजादी से बाद ही पिछड़े के उन वर्गों को अपने सदा अगुवा के रूप में रखा गया है, लेकिन अब चंद्रजीत यादव जैसे शख्सियत व राम नरेश जैसे लोगों की विचारधाराओं इन लोगों में नहीं है। ये लोग समाजवाद के नाम पर सिर्फ पूंजीवाद वाले हैं और ऐसे लोग कभी भी किसी समाज का भला नहीं कर सकते। आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में हम लोग 44% के लोग हमेशा से इनका साथ दिया, लेकिन अब त्रिस्तरीय चुनाव से लेकर विधानसभा आज तक के चुनाव में जो कुछ भी सहयोग कर रहे थे अब नहीं किया जाएगा। अब तक इनकी अक्ल पर ताला लगा हुआ है, जो बहुत ही खेद की बात है। अति पिछड़ा वर्ग ने जब करवट लिया 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा का परिवर्तन कर लोग सामाजिक परिवर्तन कर दिखाया है। आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सत्ता से बहुत दूर रखेगी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप लोग कितने घर हो, तो हम कहते हैं 54% में 44 अति पिछड़ा वर्ग है। अब उससे आंकड़ा ये लोग लगाए कितनी संख्या है। इसी क्रम में यशवंत सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रूप में अति पिछड़ा वर्ग को ही चुना जाएगा। अब हम लोगों में सहने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए अति पिछड़ा वर्ग ही अपने लोगों का नेतृत्व करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण योगेश विश्वकर्मा, रामेश्वर शर्मा, उर्फ गुड्डू, सत्येंद्र कुमार, रामशरण राम, देवेंद्र प्रजापति, शिव बच्चन, बाकेलाल प्रजापति, श्याम चरण शर्मा, सत्येंद्र राम आदि लोग उपस्थित रहे। आप प्रदेश जी, आप अपना नाम बताएं। हम शिवमोहन शिल्पकार लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी का। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों कुछ पार्टियों द्वारा किसी कोतवाल के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया था, उसके बारे में आपका क्या विचार विमर्श है, उसके बारे में बताएं। किसी पार्टी द्वारा नहीं, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, जो उनके जिम्मेदार पर्सन जिला अध्यक्ष निवर्तमान जो है हवलदार यादव हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि के रूप में लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को जिलाधिकारी से मिलने जाना था और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि यहाँ पे जो है किसी को प्रवेश न करने दिया जाए, तो वो अपने कार्य को तो पालन कर रहे थे कोतवाल महोदय। लेकिन समस्या इस बात की है कि समाजवादी पार्टी 5 मिनट का काम 6 घंटा लगाकर समाज के साथ साथ सरकार को भी चैलेंज करने का काम किया और लोगों को जो है तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ा, यातायात प्रभावित हुआ। तो हम ये कहना चाहेंगे उस मुद्दे पे कि यह सरासर गलत का बात है कि इस तरह से शहर कोतवाल को अति पिछड़ा वर्ग का समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का जो प्रक्रिया है सदियों पुराना समाजवादी पार्टी का। हमेशा वो अपने से अति पिछड़ा वर्गों का उत्पीड़न करते हैं और उनको दबाते हैं। वो चूंकि गुप्ता बिरादरी से आते हैं, साहू समाज से आते हैं, इस नाते उनके साथ ये प्रक्रिया है। इसे बहुत से कोतवाल और बहुत से एसओ, बहुत से तहसीलदार, बहुत से एसडीएम और आईएएस आईपीएस स्तर उद्दंडता कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये उन लोग नहीं करेंगे ना, इनके खिलाफ और करेंगे तो उनके जो भ्रष्टाचार छिपाकर बैठे लोग हैं वो उनकी परत खुल जाएगी और ये लोग जेल में हो जाएंगे। तो अपने गुंडई और दबंगई के बदौलत पथ पिछड़ा समाज को जो है डराने धमकाने का प्रयत्न किया है और अब तक देश की आजादी के बाद से हमेशा पिछड़ा वर्ग जो है ये समाजवादी पार्टी के जो इस समय नेता लोग हैं इनके पीछे चलने का काम करते थे, जिससे सत्ता में आते हैं और सत्ता में जब से इनका साथ छोड़ दिए हैं ये सत्ता से बाहर हैं। आप 2014 के चुनाव लोकसभा का देख लीजिए, 2017 का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए और 2019 का लोकसभा देख लीजिए और 2022 का भी इनको पता चल जाएगा कि सत्ता से फिर बहुत दूर हो जाएंगे और जितने बचे कुछ जनप्रतिनिधि उससे कम हो जाएंगे। लोग जो ताकत इनको मिल रही है अति पिछड़ा समाज इनको एकदम पूरी तरह से बहिष्कार करेगा, क्योंकि हम इनको प्रधान से लेकर विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक की कुर्सियां के लिए नवाजा गया, देश में बड़े स्थानों पर भेजा गया, ये हमेशा हमारे अगुवा के रूप में रहे। लेकिन इन लोगों का जो शोषण, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण जो है बंद नहीं हो रहा है। अब अति पिछड़ा समाज जो है पूर्ण रूप से अपने उन्हीं नेताओं के साथ रहेगा जो अति पिछड़े के नेता हैं, उन वर्गों के साथ रहेगा, अपने समुदाय में रहेगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, आजमगढ़ की 40 लाख संख्या है
जिसमें अगर आप देख लिया जाएगा तो इनके वर्गों का 375,000 मात्र संख्या है पूरे जनपद का, और बाकी वोट जो है 20 लाख के आसपास जो है अति पिछड़ा वर्गों का है, जो इनको अपना नेतृत्व करने का मौका देता अब नहीं देगा। अब अति पिछड़ा वर्ग खुद अपना नेतृत्व करेगा। और ये लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि ये भ्रष्टाचार में जो छिपाकर अपने चेहरों को लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनके जनप्रतिनिधि लोग, इनके जो है निधियों की जांच होनी चाहिए, इनके कार्य प्रणालियों की जांच होनी चाहिए। जिला पंचायत आजमगढ़ के जो अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के क्रियाकलाप की पूरे जिला पंचायत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की हम लोग जनशक्ति पार्टी मांग करते हैं, अगर नहीं की गई तो हम लोग भी लामबंद होकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग जो मांग किए हैं कोतवाल को हटाने की, क्या उचित है ये? अनुचित है, एक तरह से पिछड़ा समाज को चैलेंज है। अगर कोतवाल के साथ कोई भी अवमानित दृष्टि से कार्य किया जाएगा तो इसके लिए लोजपा जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। अच्छा, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है आप लोगों द्वारा? ग्राम पंचायत के चुनाव जो है अपने समय पे होंगे, जो निश्चित समय अप्रैल से मई के बीच में होंगे। नहीं तो आप लोग की रणनीति इसमें क्या? हमारे प्रत्याशी जो है जिला पंचायत सदस्य के समर्थक के रूप में लड़ाया, ग्राम पंचायत जो निचले तबके का स्थान है वो पार्टी के प्रतिनिधि नहीं सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में उनको सहयोग करके उनको अपने जो है प्रतिनिधि चुना जाएगा।